नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड की 48 लाख महिलाओं को हर महीने के 15 तारीख तक खाते में मिलेंगे 1000 रुपए। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 48 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए राज्य सरकार देगी। महीने के 15 तारीख तक सीधे बैंक खाते में इसका भुगतान होगा। हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत शुरुआती दौर में 48 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। बता दें, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार का महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया एक कारगर कदम है, जिसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत लाभुकों के लिए पात्रता को सरल रखा गया है। आवेदिका झारखंड की निवासी हो, इसकी आयु 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम हो। आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता होना चाहिए। जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है, वे भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती है। वहीं मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना चाहिए। सीएम हेमंत ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दोहराया संकल्प। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। उन्होंने राज्यवासियों से कहा है कि पर्यावरण संतुलन के लिए हम सभी कदम से कदम मिलाकर चले। पर्यावरण संरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। वन महोत्सव पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा अभियान है। हम सभी राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का संकल्प ले। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 75 वर्षों से हम वन महोत्सव मनाते आ रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुरुआत के वन महोत्सव में जो पौधे लगे होंगे वे वर्तमान समय में किसी स्थिति में होंगे। वन महोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक बड़ा अभियान है। ऐसे में हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का संकल्प ले, ताकि पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा हो रहा है उसे नियंत्रित कर सके। विधानसभा के मानसून सत्र 29 जुलाई तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और आने वाली 29 जुलाई 11 बजे पूर्वाह्न के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बता दें कि ये हेमंत सोरेन के कार्यकाल का अंतिम सत्र है। वहीं आने वाली 29 जुलाई को झारखंड का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया है। बता दें, सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान विधायक दल के नेता मौजूद थे। सेना भर्ती रैली 27 जुलाई से 70 सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। झारखंड की राजधानी रांची के होटवार स्थित खेलगांव के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। 70 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। किसी दलाल के बहकावे में नहीं आए, मेरिट पर बहाली होगी। यह सेना भर्ती रैली झारखंड के सभी जिलों के शॉर्ट लिस्ट किए गए अग्निवीर उम्मीदवार और जूनियर कमीशन अफसर के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई है। ये बातें कर्नल विकास भोला ने शुक्रवार को खेलगांव में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही है। कर्नल विकास भोला ने कहा है कि पूरे देश में 22 अप्रैल से 3 मई तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय के तत्वाधान में सेना भर्ती कार्यालय रांची के जरिए रिक्रूटमेंट रैली के रांची खेलगांव स्थित स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जा रही है। खेलगांव का गेट रात 12 बजे से 6 बजे तक खुला रहेगा। झारखंड के 61 वीडियो का तबादला स्थगित। झारखंड के 61 वीडियो का तबादला स्थगित कर दिया गया है। पिछले दिनों इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी। सत्ता पक्ष की बैठक में विधायकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष इस संदर्भ में आपत्ति जताई थी। ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर तबादला स्थगित कर दिया है। बता दें, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि द्वितीय विशेष मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर मतदाता सूची की प्रारूप के प्रकाशन की तारीख 25 जुलाई 2024 से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 20 अगस्त 2024 तक पाबंदी लगाई गई है। इस आलोक में 24 जुलाई के तबादले के आदेश को स्थगित किया गया है। ईडी ने जमीन माफिया कमलेश को किया गिरफ्तार। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह उर्फ कमलेश कुमार को शुक्रवार की रात 8 बजे गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश ईडी के छठे समन पर पूछताछ में शामिल होने ईडी कार्यालय पहुंचा था।
बता दें, दिन भर पूछताछ के बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। उसे शनिवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। यहां ईडी उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से आग्रह करेगी। कमलेश के ठिकानों पर सबसे पहले ईडी ने 21 जून को छापेमारी की थी। इसके कांके रोड चांदनी चौक के समीप एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 603C से ईडी को 1 करोड़ रुपये नकदी व 100 कारतूस मिले थे। शनिवार को नीति आयोग की बैठक। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में विकसित भारत से जुड़े कई मुद्दों और दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी। नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन तथा सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। शासी परिषद की ओर से जारी बयान के मुताबिक शनिवार 27 जुलाई 2024 को होने वाली बैठक में विकसित भारत 2047 तक दृष्टिकोण दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर भी गहन चर्चा होगी। झारखंड में घट रही आदिवासियों की जनसंख्या, बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायकों ने संताल परगना इलाके में डेमोग्राफी बदलने, सरकार पर नौकरियों की वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है। संताल परगना क्षेत्र की डेमोग्राफी में अप्रत्याशित बढ़ावा आए हैं। यह परिवर्तन डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। बाबूलाल ने सीएम से पहल करते हुए कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि इस परिवर्तन में सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ है तो वह जनजातीय समाज है। उन्होंने 1951 और 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य में 1951 में आदिवासी 36, हिंदू 87.9, मुस्लिम 8.9 थे, जबकि 2011 में आदिवासी 26, हिंदू 81.17 व मुस्लिम 14.5% हो गए हैं। झारखंड में 3 दिन कमजोर रहेगा मानसून। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को रांची में 40.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। रांची का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 32.2 डिग्री और न्यूनतम 24.9 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक है, इससे गर्मी बढ़ रही है। दूसरी ओर अगले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा, इस दौरान बारिश का आसार काफ़ी कम है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश पलामू के हरियरगंज में 95.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा हजारीबाग के मैथन में 70.6 मिलीमीटर और रामगढ़ में 60.8 और लातेहार में 42, रांची में 40.6, चतरा में 33, लोहरदगा में 24, सिमडेगा में 24 और लोहरदगा में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा राज्य के शेष भागों में मानसून कमजोर रहा है। आदिवासी जमीन बचाने को बनाई मानव श्रृंखला। आदिवासियों का अस्तित्व और उसकी जमीन को बचाने के लिए शुक्रवार को सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर ने हरमू बाईपास रोड में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। लोगों ने बैनर तख्तियों पर मांगे लिखकर वहां से गुजरने वाले मुख्यमंत्री समेत सरकार के विधायकों को अपना संदेश दिया। प्रदर्शन में पुरानी रांची, हिंदपीढ़ी, हरमू, अरगोड़ा, डिबडी, कडरू, हटिया, मधुकम, कांके, मिसिर, गोंदा, सत्यरी टोली समेत अन्य मौजा के ग्रामीण शामिल हुए थे। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष संजय कुजूर ने कहा है कि आए दिन गांव मौजा से आदिवासियों के धार्मिक, सामाजिक, रीति पहचनाएँ और महतोई, कोटवारी, डाली, कतारी, डांडी, पझरा, भुईहारी, गैरमजरुआ व गांव की सामूहिक जमीन को भूमाफिया लूट रहे हैं। शिक्षक चप्पल पहनकर आए स्कूल, खाली पैर पढ़ाया। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सरकारी स्कूल के शिक्षक शुक्रवार को चप्पल पहनकर स्कूल आए और खाली पैर पठन पाठन किया। राज्य भर के शिक्षकों ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के SPD आदित्य रंजन के चप्पल पहनने को लेकर वायरल ऑडियो वीडियो के विरोध में ऐसा किया है। वहीं अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है और SPD को हटाने की मांग की है। संघ ने शनिवार को राज्य भर के प्रारंभिक स्कूलों से चप्पल पहनकर स्कूल आने का आह्वान किया है। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि माध्यमिक, प्लस टू समेत प्राथमिक स्कूल के शिक्षक शुक्रवार को चप्पल में स्कूल आए, सभी ने खाली पैर बच्चों को पढ़ाया। गढ़वा के चीनिया में हाथी ने बुजुर्ग को मार डाला। गढ़वा
थाना अंतर्गत खुरी गांव के नौकीडीह टोला में जंगली हाथी ने विधवा मानती कुंवर को पटक कर मार डाला है। घटना के बाद से गांव में दहशत है। घटना शुक्रवार अहले सुबह 5 बजे की है। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया है कि मानती जिला अंतर्गत धुरकी थाना के टाटीदीरी गांव निवासी स्वर्गीय रामजीत कोरवा की पत्नी थी। वह काफ़ी समय से खुरी गाँव के नौकीडीह गाँव स्थित अपने बेटी के घर रहती थी। वह एक खपरेल घर में सोई हुई थी। उसी दौरान सुबह हाथी गांव पहुंच उक्त खपरेल मकान तोड़ गया और टूटने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली तो देखा कि हाथी घर को क्षतिग्रस्त कर रहा है। धन्यवाद।